I just have to ban you on अगले साल शादी के बाद पक्की हो गई है। एक बात बता, जब तेरी शादी हुई थी यहाँ कैसे आई थी तू? ऐसे ही डोली में बैठ के आई थी। चल डोली में बैठ के आई, मेरे को घना जंगल। हाय गाइस, तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं अपने पुश्तैनी या गांव वाले घर, जो कि पड़ता है रामगढ़ रेती खान पे। और 4 किलोमीटर का जो है वो आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो बाइक हमने नीचे छोड़ दी है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। आप लोगों में से जितने लोग भी पहाड़ों में जिनका घर है, तो हर किसी ने कोई ना कोई ऐसा गांव या उनका खुद का जो गांव है वो काफ़ी ऊंचाई पे होगा, चलना पड़ता होगा काफ़ी, और जगह काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे बच्चों के लिए स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गई, वो कुछ भी नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी रस्से में पानी की अगर आपको कोई जगह चाहिए तो नहीं पड़ती है, और जगह काफ़ी सुनसान है, यहाँ पे जानवरों का ख़तरा भी रहता है। तो धीरे धीरे करके जो गांव के लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं, जो पुराने लोग हैं वो अभी भी यहाँ पे अपनी ज़मीन और अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। तो चलते हैं, आज देखते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि गाँव के घर कैसे होते हैं और किस तरह लोग इतने दूर रह रहे हैं। मम्मी के चक्कर में भैया मैं बाइक लेके नहीं आया। नहीं भैया, हमारा घर है इधर, घर है जहाँ से आप लोग ऊपर को कटे थे ना, उसके नीचे जो रास्ता कट रहा था। अच्छा, सर ब्लॉक बन रहा है। हाँ, हमारा घर है ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जहाँ से आप लोग ऊपर मंदिर को चढ़े थे उसके नीचे रास्ता जा रहा होगा, वहाँ से 3 किलोमीटर नीचे पड़ता है। तो हम लोग काफी टाइम बाद जा रहे हैं, फिर भी आप बहुत आए भैया ऊपर तक भाई। मम्मी गए पहले, मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा कहीं मम्मी बैठ नहीं पाएगी, तब मैं नहीं लाया। लाने को इस रास्ते पे हम लोग बाइक भी ला सकते थे, लेकिन मम्मी बाइक पे बैठ नहीं पाती उतना, और जो रास्ता है जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, नीचे है खाई, तो सीधे शॉर्टकट से हम लोग नीचे पहुँच जाते और चित्रहार हो जाता हमारा। तो इतना रिस्क लिया नहीं, वैसे भी हम लोग चल सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह ऊपर। हम लोग पहुंच गए हैं शाही खान के वहाँ पे, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, एक शाही खान मंदिर है। ये पहले थोड़ा मतलब कच्चा था, फिर हमारे ससुर, छोटे वाले ससुर ने, चचेरे ससुर ने बना दिया ये मंदिर इधर। अच्छा, पक्का बना दिया। तो ये जो मंदिर है ये बनाए गए हैं बाद में, ये चौराहे, यहाँ पर चौराहे हैं, ये हमारे गाँव को रास्ते आ रहा है रेती खान को, ये ऊपर झंडीधार मंदिर वहाँ पर जा रहा है, ये नीचे गागर को जा रहा है, ये कुलेटी को, तो जहाँ गागर का रास्ता, ये कुलेटी का रास्ता है, ये कुलेटी का रास्ता। और ये हैं जो मैं आपको बताया था पुराने मंदिर, जो कि केवल पत्थरों को जोड़ के बनाए जाते थे। पुराने सारे मंदिर ऐसे रहते हैं, है ना। चलो ये गाइस, रास्ते में जो पेड़ गिरे हुए हैं अच्छा मम्मी एक बात बता, जब तेरी शादी हुई थी यहाँ कैसे आई थी तू? ऐसे ही डोली में बैठ के आई थी। चल डोली में बैठ के आई, मेरे को घना जंगल। अजीब सा रहा था कि कैसे जंगल में आ गई मैं। तूने कोई जानवर भी देखा यहाँ कभी? जानवर देखा यहाँ पे कभी कोई? बिल्कुल देखा जानवर। तो मम्मी ने कोई जानवर नहीं देखा? देखते थे दादा दादी चाची को। तो जो मेरे पापा हैं वो बताते थे ये, वो लोग काफ़ी सारे जानवर यहाँ पे देख चुके थे, भालू देखे थे उन्होंने, तेंदुए देखे थे जिसे पहाड़ी बाघ कहते हैं। यहाँ अभी भी आपको चूल्हे पे जिसमें लकड़ियाँ जलती हैं वैसी रसोई में खाना बनते हुए दिखेगा। तो ये वो ज़िंदगी है जो शहर के लोग
सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह लोग रहते हैं, बट ये एक्चुअल ज़िंदगी है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पैर में कोई परेशानी आ गई, बीमार पड़ गए, तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको इतना चलना ही चलना है नीचे पहुँचने के लिए जहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी जिससे आप अस्पताल पहुँच सकते हैं। काफ़ी मुश्किल भरी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है कि आसान है। मम्मी पहुँच गए बहुत आगे और मैं वीडियो बनाने में रह गया हूँ, तो अभी भी मम्मी में काफ़ी दमगम है। मैं चल रहा हूँ तोड़ते तो मम्मी एक कहानी बता रही है। इसके चाचा मेरे देवर हैं, मोहाली को आ रहे थे तो यहाँ सामने में सामने उनके भालू आ गए। अभी 2-3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। अब वो क्या करते हैं कह रहे, मैं घबरा गया। फिर एकदम से मैंने थोड़ा हेल्दिंग है पर्सनैलिटी है चेंज की, तो थोड़ा ऊपर कहने लगे, मैं थोड़ा सा ऊपर को चढ़ा। मैंने धीरे से मतलब एक पत्थर उठाया मैंने हल्के से, उसको अंदाज नहीं आया। मैंने पत्थर उसके मुंह मारा तो मैं सही से घर को वापस दौड़ गया। डर के मारे दिखते हैं यहाँ पर जानवर बहुत हैं, तो गई जैसे मम्मी बता रही है। नहीं दिखे आज तक। हमारी किस्मत अभी अच्छी है कि हमको जानवर नहीं दिखे, और जानवर दिखे तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। गई जंगल कितना घना है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुराने पेड़ हैं वो कुछ इस तरह यहाँ पे रास्ते में गिरे हुए हैं। हमारे चचेरे ससुर के घर का रास्ता जा रहे हैं, इसको इस जगह को दोबटिया कहते हैं। यहाँ से नीचे जाते हैं तो आगे जाके, बहुत आगे जाके उनका घर है, और हम लोग इधर को जाते हैं इस रास्ते से, इसको दोबटिया कहते हैं। तो यहाँ से गाइस लेफ्ट को जो है वो हमारे घर की ओर का रास्ता जाएगा, राइट जो है यहाँ पे हमारे एक मुल्ली बाबू हुआ करते थे उनके घर का रास्ता है। दो पटिया का मतलब है दो रास्ते, पहाड़ी में दो पटिया का मतलब होता है दो रास्ते। हमारे गांव सतरा वाला गांव थ्रू कर रहे थे खान, यहाँ से अब आप मैं दिखाऊंगी आपको सबको। हाँ, ये घर जो है ये मेरे ससुर के चाचा का घर है। चाचा मतलब यानी शंकर दत्त पांडे उनका नाम था, वो तो अभी नहीं है। अब उन लोगों ने बेच दिया, उनके बेटे जो थे उन लोगों ने बेच के यहाँ से चले गए हैं, ये किसी और ने खरीद लिया था। तो मम्मी यहाँ पे करीब 1 साल बाद आ रही है घर में, हमको चाची मिलेगी, हमारी चाचा मिलेंगे, हो सकता है मेरा जो चाचा का लड़का है वो भी यहाँ पे हमको मिले आज। ये कोट जो कि आपको नीचे दिख रहा है जहाँ पे गायें रहती हैं। नहीं नहीं नहीं, पैदल आए। एक साल में मिल रहा है। मेरा भी ऐसे हो गया तब से आई हूँ। फोटो बना रहे ना हमारी सबकी बनाते रहो, कोई बात नहीं। हाँ, चल रहे मैंने कहा सबको पूरा का पूरा यहाँ का व्लॉग दिखाते हैं। तो झांसे निकाल दो खानू। कंचु भाई पूरा का पूरा यहाँ स्कूटी लेके पहुँचे हुए हैं। जो पुराना घर है ये आपको दिख रहा है, कितने बड़े बड़े कमरे हैं यहाँ पे। इन्हें कोठी कहते थे पहले, घर भी नहीं कहते थे यहाँ पे। ऊपर जो है यहाँ पे है मेरी दादाजी की तस्वीर लगी हुई है। ये है मोतीराम पांडे, ये हमारे दादाजी के जो पिताजी यानी कि हमारे परदादा हैं। ये हमारी दादी है। तो सारे के सारे जो पुरानी जनरेशन है वो अब दीवारों में फ्रेम में कैद हो गई है, नई जनरेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। आने वाले कुछ टाइम पे हमारी भी कहीं पे फोटो लगी होगी। सावित्री नाम इसका, इसका नाम है सावित्री। ये हमारी सबसे बढ़िया गाय है, ये हमारी है तीसरी पुस्तकी गाय जो हमारी है, और ये वाली है हमारी गंगा, और वो है यमुना, और ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, दो बछड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी ये गाय के वो मतलब बच्चा होने वाला है, और बाकी ये दो दूध दे रही हैं। सही है। ये क्या कहते हैं हमारा पशुपालन का वो है, दूध में वहाँ डेयरी में लगता है दूध, तो उसके काम के लिए हमने यहाँ पे जो ऐसे वो आते हैं बाघ वाघ आते हैं उससे बचाने के लिए क्या हुआ कि केवल अंदर ही गोट के अंदर ही, गोट के अंदर ही, वरना रात को बाघ यहाँ उनको मार जाएगा अगर खुल गया तो। बाघ तो दिन में ही आते हैं। राजमा जिन्होंने देखा नहीं है कैसे उगती है,
पहाड़ी राजमा है, इस तरह की फलियों के अंदर होती है राजमा। और ये है आपके कश्मीरी राजमा, ये वाली कश्मीर की है ये है। तो यहाँ क्या क्या होता है और इस समय? और इस समय अभी ये जैसे काकू है, काकू एक फल होता है, इंग्लिश में इसे पर्सिमन कहते हैं। ये एक्चुअली चाइनीज जो है अंग्रेज लोग लाए थे अपने साथ, ये चाइना का फल है, काफ़ी मीठा होता है लेकिन इसका छिलका नहीं खाना होता है। तो ये है हमारा काकू। क्या नाम है यूनिवर्सल हसर, क्या नाम है इसका? नाम बड़ा टेस्टी है। तो वैसे खाल नहीं खानी हुई, खाल आपने खाई तो फिर आपको बहुत ही वो लगेगा हल्का सा। पांडे जी चले तो नहीं जाएंगे? कौन पांडे जी, तुम गए हो सर? हाँ, यहाँ पे हमने देख लिया है राजमा उगी हुई है, मटर का तो खैर हो गया है, धनिया उगा हुआ है, ये हुई है बंद गोभी का पूरा जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक अब बंद गोभी उगी हुई है पूरी की पूरी। तो पूरी की पूरी कद्दू से लेके वो कौन से वाले वो थे राम करेले, हाँ। और राजमा काकू पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग यही है। तो आप जानते ही होगी दोस्तों, ये है संतरे, बिल्कुल अभी हरे हो रखे हैं, अभी पकने, ये अभी कच्चे हैं ना। ये तो आप जानती होगे भोले की ये जिसके लिए आधे से ज्यादा जो क्या कहते हैं उसे दिल्ली वाले यहाँ आते हैं, भोले के भक्त जो इसको बड़ा लाइक करते हैं। ये है अपना सबसे मेन भोले की बूटी, इसको कहते हैं भांग बोलते हैं। और इसकी जो दाने होते हैं उसकी हम चटनी बनाते हैं यहाँ पहाड़ में, और बढ़िया मजेदार तो दिल्ली वालों को माल बेच देते हैं यहाँ हमें मिले हैं नीरज जोशी जी, हेल्प एंड स्माइल विद नीरज जोशी, मेरा यूट्यूब चैनल। तो भवाली के ही हमसे थोड़े से दूर तिरछा खेत में ये रहते हैं। मुझे बहुत टेस्टी एक फल हम लोग खा रहे हैं, काकू इसको बोला जाता है, आपने क्या नाम बताया था इसका? पर्सिमन हुआ इसे इंग्लिश में, पर्सिमन। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, हालांकि इसके बारे में भ्रांति रहती है कि ये हमारा जो मुंह है इसको जकड़ सकता है, लेकिन वो दूसरी वेरायटी होती है, पक के बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो रहा है। तो पहाड़ों में आइए आप लोग, थोड़ा एंजॉय कीजिए। हम लोग आए हुए थे बिल्कुल आज अपने पुश्तैनी घर में, मेरे को भैया भी मिल गए यहाँ पे, और मेरे को लग रहा था पता है आप रहते यहाँ होकर के रामगढ़ मतलब मेरा बहुत ज्यादा क्लोज है, मैं आते रहता हूँ। हम बैठे हुए हैं अपने चचा के साथ, तो चचा ने यहाँ बहुत कुछ देख रखा है, यहाँ नेताओं को आते हुए देख रखा है, और यहाँ पे जानवर कितने रहते थे पहले? बहुत अधिक, काफी है जानवर, सर बेशुमार जानवर है, खास तौर पे भालू, डेविड, कांकड़, घुराड़, बहुत अधिक संख्या में। और सबसे ज्यादा जो खेती को नुकसान पहुंचाता है, हाँ वो होता है सौल, सुंगर, वो कांटे वाला सौल, कद्दू खा गया यार वो कद्दू, और खड़ोद, खड़ोद कौन सा जानवर? खड़ोद ये जो पेड़ों में चढ़ के फल खाता है, ये है कद्दू, कद्दू की बेल, और कद्दू छोटा सा लग भी रहा है वहाँ पर, कद्दू की बेल, यहाँ सब हरा भरा जो बिल्कुल ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ जिन्हें कहते हैं ना, जैसे अगर आपको बाहर जो है फर्टिलाइज़र यानी कि जो उर्वरक हैं वो डाले जाते हैं, यहाँ पे है पूरा गोबर, पूरा ऑर्गेनिक है यहाँ पे सब कुछ, मटर, फल, जो हम राजमा ले जा रहे हैं वो सारा का सारा सब है कद्दू, हाँ कद्दू की बेल, और कद्दू छोटा सा लग भी रहा है वहाँ पर, कद्दू की बेल, यहाँ सब हरा भरा जो बिल्कुल ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ जिन्हें कहते हैं ना, जैसे अगर आपको बाहर जो है फर्टिलाइज़र यानी कि जो उर्वरक हैं वो डाले जाते हैं, यहाँ पे है पूरा गोबर, पूरा ऑर्गेनिक है यहाँ पे सब कुछ, मटर, फल, जो हम राजमा ले जा रहे हैं वो सारा का सारा सब तो फिक्स हो गया है कोट भाई, लेकिन आपका बनाना है ना, मैं पहले देख लूँ। देखो किसी की शादी में मैंने डांस नहीं किया, तेरी शादी में मैं इतना डांस नहीं किया। नागिन नाम चाची से कराएंगे। नागिन वाला। और मैं इनको आज ये देने वाला हूँ, एक एक ये और एक ये। तो ये हैं जो जब हम पहले जाते थे बचपन में तो पिठिया लगता था टॉफी खाने के लिए, बहुत ही चौड़ा नहीं है, चौड़ा भी है ऊपर से वो देख, मतलब इसको देख के कोई नहीं कहेगा अभी, यानी नोट होते थे करके कभी। जाओ तुम जाओ, फिर वो होती है ना, कल आऊंगा। आज का जो गांव आने का वो था वो पूरा हो गया है, मेरा जो बैग है इसमें सब्जी भरी पड़ी है बहुत सारी, जितनी आ सकती थी उतनी कोच दी गई है इसमें पूरी की पूरी,
तो हम लोग कद्दू ले जा रहे हैं, गोभी ले जा रहे हैं और काखू ले जा रहे हैं। चलो चलो, अच्छा गंजू भाई चलते हैं। गाइस हम लोग हो गए हैं वापस। जो रास्ता है, जैसे कि दिन में ही काफ़ी अंधेरा दिख रहा था यहाँ पे जंगल की वजह से, अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोग अंधेरा होने से पहले नीचे पहुँचना चाहते हैं। तो जल्दी ऐसे ही आपको और भी पहाड़ी जो ज़िंदगी है वाले व्लॉग्स दिखाएंगे। तो अभी यहाँ व्लॉग करते हैं ख़त्म। नई जगह पर, नई एडवेंचर पे और नए व्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।